दर्शकों नमस्कार, मैं हूं कैलाश कुशवा और आप देख रहे हैं सोनाली सिटी चैनल गुना। आज की प्रमुख खबरों पर नजर डालने से पहले एक नजर डालते हैं आज की तमाम हेडलाइंस पर। गुना की खुशी कुछ ही घंटे रही। म्याना निवासी एक युवक जो कि 17 तारीख को इंदौर से परिवार के साथ म्याना आया था, उसकी जांच म्याना PSC पर की गई थी, जहां उसे साक्षी कॉलेज में क्वारंटाइन किया गया था। 20 तारीख को उसका सैंपल भेजा गया, उसकी रिपोर्ट अब पॉजिटिव आई है। बापचा लहरिया का पहला कोरोना पॉजिटिव मरीज की तीसरी रिपोर्ट नेगेटिव आने के बाद आज गुना जिला चिकित्सालय से डिस्चार्ज किया गया, जिसके स्वागत के लिए कलेक्टर एस विश्वनाथन एवं पुलिस अधीक्षक तरुण नायक ने फूल वर्षा कर स्वागत किया। गुना जिला चिकित्सालय के समस्त डॉक्टर उपस्थित रहे। विगत कुछ दिनों पहले प्रसव पीड़ा के कारण चाचौड़ा अस्पताल में भर्ती उत्तर प्रदेश की महिला जो कि पूर्व में कोरोना पॉजिटिव आई थी, उसके देवर की रिपोर्ट भी आई पॉजिटिव। गुना में एक और कोरोना पॉजिटिव, लेकिन वह गुना में काउंट नहीं होगा। उक्त महिला की दूसरी रिपोर्ट भी आई पॉजिटिव। माध्यमिक शिक्षा मंडल भोपाल द्वारा हायर सेकेंडरी परीक्षा का संशोधित परीक्षा कार्यक्रम घोषित कर दिया गया है। ये परीक्षा 9 जून से मंगलवार से होगी। जीवन अमृत योजना अंतर्गत आयुष विभाग द्वारा रोग प्रतिरोधक क्षमता इम्यूनिटी बढ़ाने हेतु आयुर्वेदिक काढ़ा बांटा जा रहा है। कृषि विभाग से प्राप्त जानकारी अनुसार टिड्डियों का एक दल टोंक जिले से हवा के रुख के साथ राजस्थान से चलते हुए चाचौड़ा क्षेत्र में पहुंचने की संभावना थी, परंतु हवा का रुख बदल जाने के कारण वे कल तक पहुंचने की संभावना है। जिला कलेक्टर ने बचाव के कुछ रास्ते बताए हैं। आइए दिखाते हैं हम आपको किन उपायों से आप अपना बचाव कर सकते हैं। आज हरिशंकर विजयवर्गीय और मानसिंह परशोदा ने भोपाल में प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ से मुलाकात की और पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह से भी मुलाकात की। गुना जिला कार्यकारिणी को तत्काल प्रभाव से भंग कर दिया गया है। अब वरिष्ठ नेताओं के मार्गदर्शन में नवीन कार्यकारिणी के गठन की प्रक्रिया शुरू हो गई है। सब्जी विक्रेताओं ने स्थायी सब्जी बिक्री हेतु जगह की मांग। बताया कि जब तक जगह नहीं मिल पा रही है तब तक धनिया मंडी में काम करने दिया जाए, नहीं तो पुरानी मंडी में माल भेजने की अनुमति दी जाए। प्रशासन के नियम अनुसार सोशल डिस्टेंस का पालन करते हुए वहां माल बेच सकें। सेवा भारती द्वारा मरीजों के लिए भोजन आदि की व्यवस्था जिला चिकित्सालय में की जा रही है, जो हाल ही में दोबारा शुरू कर दी गई है। राजगढ़ के एक व्यक्ति की कोरोना पॉजिटिव रिपोर्ट पाए जाने से गुना के पाखरियापुरा टोल और गुना पगारा टोल के 190 कर्मचारियों को क्वारंटाइन कर दिया गया। गौरतलब बात यह है कि राजगढ़ का पॉजिटिव आया व्यक्ति 7 दिन तक पाखरियापुरा टोल टैक्स पर रहा था। आज से दूसरा स्टाफ आ गया है, टोल को चालू कर दिया गया है। आधा मई महीना बीत जाने के बाद अब मौसम अपनी पहले की अवस्था में लौट रहा है। 17 मई तक जहां शहर का अधिकतम तापमान मई महीने में 33 डिग्री से ज़्यादा नहीं पहुंचा था, वहीं अब आने वाले दिनों में शहर का तापमान और भी बढ़ सकता है। बीनागंज में आज अंबेडकर भवन में नगर परिषद द्वारा ब्राह्मण पुजारियों व बैंड बाजे बजाने वालों को सूखा राशन वितरित किया गया। आज अमावस्या के अवसर पर शनि जयंती है। प्रत्येक साल मंदिरों में हजारों की संख्या में लोग दर्शन करने के लिए शनि मंदिर में पहुंचते थे, परंतु लॉकडाउन के चलते इस बार दर्शन नहीं हो पा रहे हैं। हमारी टीम ने आपको दर्शन कराने के लिए शनि मंदिर पर पहुंचकर कवरेज किया। क्षेत्रीय विधायक गोपीलाल जाटव ने विगत दिनों मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान और कृषि मंत्री कमल पटेल से मुलाकात की। किसानों की गेहूं की तुलाई की समस्या पर मुख्यमंत्री से बात की गई। मुख्यमंत्री ने आश्वासन दिया है कि प्रत्येक किसान का गेहूं तोला जाएगा, चिंता की कोई बात नहीं। मकसूदनगढ़ क्षेत्र के राधोपुरा गांव के लोग बातौरई गांव के लोग कर्नाटक में
मेहनत मजदूरी करने के लिए गए हुए थे, लॉकडाउन के कारण वे वहां कर्नाटक में फंस गए थे। जैसे ही ये बात चाचौड़ा विधायक लक्ष्मण सिंह को पता लगी तो उन्होंने वीडियो कॉलिंग के माध्यम से उनसे बात की, हर संभव मदद के लिए मजदूरों को आश्वासन दिया। इसके बाद चाचौड़ा विधायक लक्ष्मण सिंह के प्रयास से मकसूदनगढ़ क्षेत्र के मजदूरों को अपने घर वापस पहुँचाने का प्रयास किया गया, जिसके बाद सभी मजदूर अपने घरों पर पहुँच चुके हैं। घर पर पहुँचने के बाद सभी ने चाचौड़ा विधायक लक्ष्मण सिंह का धन्यवाद व्यक्त किया एवं सभी मजदूरों को क्वारंटाइन कर दिया गया है। अब खबरें विस्तार से। गुना की खुशी कुछ ही घंटे रही। म्याना निवासी एक युवक जो कि 17 तारीख को इंदौर से परिवार के साथ म्याना आया था, उसकी जांच म्याना पीएससी पर की गई थी, जहां उसे साक्षी कॉलेज में क्वारंटाइन किया गया था। 20 तारीख को उसका सैंपल भेजा गया, उसकी रिपोर्ट अब पॉजिटिव आई है। राज्य मामला है, क्या मामला? एक परिवार इंदौर में रहता था और वो एक्चुअली म्याना का रहने वाला है, 4 महीने से वहीं था। 17 तारीख को इंदौर से आया था किसी लॉडिंग मांग के, तो सीधा उसके भाई से बात हुई कि मैं आ रहा हूँ, तो उसने ये स्क्रीनिंग के लिए इसको भिजवा दिया TSC म्याना में। मैं इसकी स्क्रीनिंग हुई, भाई इसका वहाँ खाना दे गया, इनका कहना है कि वो घर नहीं गया है, तो वहाँ से ये सीधे ही जो है म्याना से एम्बुलेंस द्वारा इनको यहाँ भेज दिया हमारे जो क्वारंटाइन सेंटर है साक्षी मेडिकल कॉलेज में, तो वहाँ तब से क्वारंटाइन है। और इसका सैंपल हमने 20 तारीख को सैंपल दिया था और उसकी रिपोर्ट आई है पॉजिटिव। बापचा लहरिया का पहला कोरोना पॉजिटिव मरीज की तीसरी रिपोर्ट नेगेटिव आने के बाद आज गुना जिला चिकित्सालय से डिस्चार्ज किया गया, जिसके स्वागत के लिए कलेक्टर एस विश्वनाथन एवं पुलिस अधीक्षक तरुण नायक ने फूल वर्षा कर स्वागत किया। बाद गुना जिला चिकित्सालय के समस्त डॉक्टर उपस्थित रहे। आइए देखते हैं एक रिपोर्ट। हाँ सर, यही है कि ये जो महामारी जो फैल रही है उससे घबराने की जरूरत नहीं, बस डॉक्टर उससे समय समय पे सलाह लेते रहना चाहिए, हिम्मत अपने होनी चाहिए, अपने अंदर आत्मविश्वास होना चाहिए, ऐसी कोई बात नहीं है। समय समय पर योगा करते रहना चाहिए, धूप में बैठना चाहिए, गर्म पानी पीना चाहिए। ये सिम्टोमेटिक केस था जिसमें कोई लक्षण नहीं थे, तो इसका जो हमने जो पहला जब इसका पॉजिटिव आया था, जब हमने इसका टेस्ट लिया था 5 तारीख को, तो वो पहला जो 7 तारीख को जिसकी रिपोर्ट आई थी और वो पॉजिटिव आया था, फिर उसी कंटिन्यूशन में लगातार जब तक कम से कम 2 रिपोर्ट नेगेटिव नहीं आ जाती, जब तक आदमी को हम डिस्चार्ज नहीं करते, तो उसकी अगली रिपोर्ट नेगेटिव आने के बाद आज हमने उसको यहाँ से डिस्चार्ज कर दिया है। सर, क्या ट्रीटमेंट? गुना जिले में जैसा आप लोग जानते हैं, 5 तारीख को एक पेशेंट का सैंपल लिया गया, वो 7 मई को पॉजिटिव निकला था, तो एज पर प्रोटोकॉल उनका हम लोग कोविड केयर सेंटर आइसोलेशन वार्ड में हम लोग उनका ट्रीटमेंट किया। ट्रीटमेंट के बाद 19th को हम जब उनका फाइनल सैंपल लिया, वो भी उनका नेगेटिव आया है, तो प्रोटोकॉल के हिसाब से उनको अभी आज आइसोलेशन सेंटर से विदाई करके उनको उनका घर हम वापस भेज रहे हैं। तो इससे गुना का जो एक्टिव केस है, जो पॉजिटिव केस है, वो संख्या 0 हो गया। तो स्वास्थ्य विभाग एंटायर CMHO सिविल सर्जन डॉक्टर्स स्टाफ नर्सेस सब लोग ये बहुत बधाई के पात्र है। ऐसे एक बहुत कठिन समय में काम करना इतना आसान नहीं है। वो लोग उनका आइसोलेशन वार्ड में उनको उनका हेल्थ कंडीशन कंटिन्यूसली मॉनिटर किया है, उनका दवाई का उपलब्ध करा दिया, सब लोग का काम बहुत सराहनीय काम है। इन लोग के वजह से अभी गुना जिला अभी जो भी एक पेशेंट पॉजिटिव निकला वो अभी एक्टिव से वो हट के 0 केस एक्टिव में हम लोग गुना चला गया।
राजगढ़ के एक व्यक्ति की कोरोना पॉजिटिव रिपोर्ट पाए जाने से गुना के पाखरियापुरा टोल और गुना पगारा टोल के 190 कर्मचारियों को क्वारंटाइन कर दिया गया। गौरतलब बात यह है कि राजगढ़ का पॉजिटिव आया व्यक्ति 7 दिन तक पाखरियापुरा टोल टैक्स पर रहा था। आज से दूसरा स्टाफ आ गया है, टोल को चालू कर दिया गया है। राजगढ़ जिला प्रशासन द्वारा यह अवगत कराया गया था कि उनके यहाँ एक व्यक्ति हॉस्पिटल में एडमिट था और उसकी सैंपलिंग कराई गई थी। उस सैंपलिंग में वो व्यक्ति पॉजिटिव आया है। चूँकि दिल्ली बिल्डकॉन के द्वारा पाखरियापुरा टोल प्लाजा चलाया जाता है और उनका कैंप राजगढ़ जिले में है, तो जब ये सूचना प्राप्त हुई कि वो यहाँ हाईवे पेट्रोलिंग जो विंग है उनका उसमें काम करता है, तो उससे संबंधित जो जिन लोगों के प्राइमरी कॉन्टैक्ट में आया था उनको राजगढ़ जिला प्रशासन द्वारा जो उनका जोगी फाटा कुछ केंद्र का नाम है एरिया है वहाँ पर पूरे सभी लोगों को क्वारंटाइन किया गया है। और यहाँ जो लोग थे उन सभी को भी वहीं क्वारंटाइन किया गया है, वहीं सैम्पलिंग सबकी कार्रवाई चल रही है। और यहाँ मेरे द्वारा टोल पर विगत कुछ दिनों पहले प्रसव पीड़ा के कारण चाचौड़ा अस्पताल में भर्ती उत्तर प्रदेश की महिला जो कि पूर्व में कोरोना पॉजिटिव आई थी उसके देवर की रिपोर्ट भी आई पॉजिटिव। गुना में एक और कोरोना पॉजिटिव, लेकिन वह गुना में काउंट नहीं होगा। उक्त महिला की दूसरी रिपोर्ट भी आई पॉजिटिव। वो जो महिला उनका देवर का रिपोर्ट पॉजिटिव आया है, ये लोग महाराष्ट्र से आया हुआ व्यक्ति है, तो ये महाराष्ट्र और सोर्स ऑफ उस काउंट में वो चला गया, गुना के जिले काउंट में वो नहीं है। जीवन अमृत योजना अंतर्गत आयुष विभाग द्वारा रोग प्रतिरोधक क्षमता इम्यूनिटी बढ़ाने हेतु आयुर्वेदिक काढ़ा बांटा जा रहा है। क्वेश्चन मध्य प्रदेश शासन के द्वारा या आयुष विभाग के द्वारा यह योजना जीवन अमृत योजना प्रारंभ की गई है 27 अप्रैल 2020 से ही। इसके अंतर्गत हम आयुष विभाग के द्वारा त्रिकटु काढ़े का वितरण किया जा रहा है। यह त्रिकटु काढ़ा आपकी लेने वाले व्यक्ति की रोग प्रतिरोधात्मक शक्ति में वृद्धि करता है, साथ ही श्वसन तंत्र को क्लियर करता है। इसी पैकेट में इसमें बनाने की विधि भी दी हुई है कि किस प्रकार बनाना है। काढ़े का जैसे 1 चम्मच लेना है, उसे 6 कप पानी में थोड़ी सी दालचीनी भी डालना है, 6-7 तुलसी के पत्ते डालना है और इसे तब तक उबालना है जब तक कि ये आधा ना हो जाए। आधा हो जाने के बाद घूट घूट करके दिन में कई बार उसको पीना है। तो इस ये कोरोना वायरस के बचाव एवं प्रतिरोधात्मक शक्तिवर्धक योजना के अंतर्गत यह जीवन अमृत योजना शासन के द्वारा चलाई जा रही है, जिसे आयुष विभाग कंडक्ट कर रहा है और इसमें हमें त्रिकटु काढ़े के वितरण किए जा रहे हैं। सब्जी विक्रेताओं ने स्थायी सब्जी विक्रय हेतु जगह की मांग। बताया कि जब तक जगह नहीं मिल पा रही है तब तक धनिया मंडी में काम करने दिया जाए, नहीं तो पुरानी मंडी में माल भेजने की अनुमति दी जाए। प्रशासन के नियम अनुसार सोशल डिस्टेंस का पालन करते हुए वहां माल बेच सकें। जी, हमने स्थायी जगह के विषय में सब्जी मंडी के दिया है, हमारे लिए स्थायी जगह दी जाए। अभी हम वर्तमान में धनिया मंडी गल्ला मंडी में जो धनिया मंडी उसमें काम कर रहे हैं 4 से 8 बजे तक। तो हम लोगों को क्या है कि कभी भी सेक्रेटरी साहब गेट बंद कर देते हैं बिना बताए, बिना सूचना, बिना फ़ोन करे। हमारा माल जो कच्चा माल है, फल सब्जी सड़ जाती है। तो श्रीमान जी से निवेदन है कि जब तक हमें स्थायी जगह नहीं मिलेगी जब तक धनिया मंडी में हमें काम करने दिया जाए, अन्यथा जो हम पुरानी मंडी में काम कर रहे थे वहाँ जगह दी जाए। जहाँ स्थायी जगह दे देंगे वो कल दे देंगे, हम कल चले जाएंगे सब लोग। और जो वर्तमान में जगह दे रहे हैं वो जगह हमारे लिए बिल्कुल कम पड़ती है। आज क्या परिस्थिति हुई? आज परिस्थिति गेट नहीं खोले सेक्रेटरी जी के आदेश से, तो सारी मंडी के सामान बाहर खड़े रहे लोग, मंडी वाले गेट 7 बजे खोले और 8 बजे फिर बंद करवा दिए। नहीं, हमने कुछ नहीं लगाया, वो तो अपने आप भीड़ हो गई इकट्ठी, गाड़ियाँ आ रही थी सब्जी की, तो हम क्यों लगाएंगे? हम प्रशासन का सहयोग कर रहे हैं। हम तो हाँ जगह बहुत कम है, जो जगह दे रहे हैं ना हमें वो जगह में हम पर्याप्त तो नहीं मा सकते। 120 लाइसेंस धारी हम हैं, 120 उसमें नहीं मा सकते। तो 10 दिन बाद पानी गिरेगा तो क्यों? ना 3 सेट है, ना सड़क है, ना नल है, ना पाइप है,
ना लाइट है, कुछ भी नहीं है। इसलिए श्रीमान जी से निवेदन है मेरे प्रशासन से कि जहाँ भी मंडी दी जाए हमें सारी व्यवस्था करके दी जाए, हम जाने के लिए तैयार हैं। व्यवस्था नहीं करेंगे तो? व्यवस्था नहीं करेंगे तो धनिया मंडी में चालू रखे जाए, हमारी पुरानी जगह मंडी में दी जाए, या तो हमें पुरानी मंडी में काम करने दिया जाए जहाँ हम कर रहे थे, या फिर धनिया मंडी में हम जब तक नहीं बनेगी जब तक हम वहीं रहेंगे 4 से 8 तक। सेवा भारती द्वारा मरीजों के लिए भोजन आदि की व्यवस्था जिला चिकित्सालय में की जा रही है, जो हाल ही में दोबारा शुरू कर दी गई है। मरीजों के लिए ये सुविधा पहले भी जारी थी, लेकिन लॉकडाउन के कारण इसे बंद कर दिया गया था, लेकिन कल से इसे फिर से प्रारंभ किया गया है, जिसमें मरीजों की पर्ची काट कर उन्हें टेक अवे के आधार पर यानी खाना पार्सल कर दिया जाता है। संस्थान सन 90 से मरीजों के अटेंडेंट की सेवा कर रही है। मरीजों के अटेंडेंट्स के लिए खाने की व्यवस्था शुरू में हमने 1 रुपया, फिर 3 रुपया, फिर 5 रुपये में शुरू करी थी। जितने भी मरीज आते हैं उनके अटेंडेंट्स जो रहते हैं उनको सुबह पर्ची काट के देते हैं, उतने लोगों का भोजन बनता है। अभी 2 महीने से लॉकडाउन में बंद था, तो डॉक्टर रामवीर सिंह जी रघुवंशी और डॉक्टर लखन जी धाकड़, इन दोनों के विशेष सहयोग से ये कल से फिर शुरू हो गई है और मरीजों के लिए खाने का टेक अवे यानी खाना यहाँ बन जाएगा और वो लेके अपने साथ चले जाएँ, ये शुरू कर दिया। इसके लिए विशेष रूप से हमारे डॉक्टर रामवीर जी और लखन जी ये इनका उत्तरदायित्व अभी इन्होंने ले लिया है। कब से शुरू की? ये कल से शुरू की है, ऐसा तो ये सन 90 से चल रही थी। यहाँ पे आपने देखा होगा ये पहले भी भोजन की व्यवस्थाएँ चल रही थी, पर अभी ये 2-3 महीने लॉकडाउन की वजह से बंद थी ना खाना बनाना और करना। पर डे कल जैसे कल कितने थे? कल 125 हो गया था, आज भी 125 हो। कृषि विभाग से प्राप्त जानकारी अनुसार टिड्डियों का एक दल टोंक जिले से हवा के रुख के साथ राजस्थान से चलते हुए चाचौड़ा क्षेत्र में पहुंचने की संभावना थी, परंतु हवा का रुख बदल जाने के कारण वे कल तक पहुंचने की संभावना है। जिला कलेक्टर ने बचाव के कुछ रास्ते बताए हैं, आइए दिखाते हैं हम आपको किन उपायों से आप अपना बचाव कर सकते हैं। तो अपन ने गुना में कौन कौन से चेतावनी जारी की है कि आ सकता है? हाँ, ये क्या है, क्योंकि राजस्थान से आता है तो सबसे पहले जो राजस्थान बॉर्डर से लगे हुए हमारे गांव हैं, बॉर्डर से लगा हुआ जो क्षेत्र है, चाचौड़ा, कुंभराज, राघोगढ़, बमोरी, फतेहगढ़, इस का जो एरिया है यहाँ सबसे पहले पहुँचने की संभावना रहती है। और इसके बाद ये क्या होता है कि एक दिन में 80 से लेकर 100 किलोमीटर तक चल लेता है, ठीक है ना, तो कोई ऐसा ज़रूरी नहीं है कि वो बॉर्डर एरिया में ही बैठेगा, वो राघोगढ़ में भी आके बैठ सकता है, गुना में भी बैठ सकता है, आरोन भी पहुंच सकता है। इन मध्य प्रदेश का जिला ऑलरेडी संक्रमित लोकस कंट्रोल में हुआ है। हम लोग का बॉर्डरिंग एरिया के लिए सब हम लोग केमिकल्स फायर ब्रिगेड में मिक्स करके रेडी करके रख दिया, सब किसान को जागरूक करके रख दिया, एक व्हाट्सएप ग्रुप भी बना दिया जहाँ पे प्रशासन प्लस जो लोकल बॉर्डरिंग एरिया से जहाँ पे दोनों मिलके ये लोकस जो अटैक है जो हमारा गुना के कैसे एंटर करने में प्रिवेंशन कर सकते हैं, अगर बाई चांस आ गया तो कैसा हमारा नुकसान को कम करना है, इसके लिए पूरा तैयारी कर रहे हैं। डीडी अग्री एक स्पेशल टीम बिठा दिया, कंट्रोल रूम इसके लिए गठन कर दिया, तो हम लोग भी डे टू डे एवरी टाइम हम मॉनिटरिंग कर रहे हैं किस दिशा में हवा चल रहा है, किस दिशा में लोकस्ट आ रहे हैं, किस दिशा में ये शिफ्ट होने का संभावना है, इसका पूरी तरह से गुना जिले में हम लोग। आज अमावस्या के अवसर पर शनि जयंती है। प्रत्येक साल मंदिरों में हजारों की संख्या में लोग दर्शन करने के लिए शनि मंदिर में पहुंचते थे, परंतु लॉकडाउन के चलते इस बार दर्शन नहीं हो पा रहे हैं। हमारी टीम ने आपको दर्शन कराने के लिए शनि मंदिर पर पहुंचकर कवरेज किया, आइए आपको कराते हैं शनि देव के दर्शन। दर्शकों नमस्कार, जैसा कि आप जानते हैं शहर में लॉकडाउन लगा हुआ है और लॉकडाउन का 4th चरण हमारे गुना जिले में शुरू हो गया है, और शहर में लॉकडाउन 4th चरण शुरू जैसे ही हो गया है, और बात गौरतलब ही बात यह है कि हमारे शहर में अभी हमारा शहर ग्रीन जोन में बना हुआ है, ग्रीन जोन के चलते हमारे शहर में सभी आवश्यक वस्तुओं की दुकानें खोल दी गई हैं, और लेकिन कहीं ना कहीं अभी मंदिर खुलना बाकी है, शहर में मंदिर नहीं खुले हैं और लॉकडाउन के कारण कई भक्त ऐसे हैं जो अभी दर्शन भगवान का नहीं कर पा रहे हैं। और आज जैसे कि
शनि जयंती है और शनि जयंती पर हम अभी यहाँ पर खड़े हुए हैं शनि देव के मंदिर के यहाँ। और आज ही के दिन यहाँ पर बड़ी संख्या में यहाँ लोगों की भीड़ लगा हुआ करती थी। यहाँ पर लोग शनि देव को तेल चढ़ाने के लिए आते थे और अपने दुखों की दूर होने की यहाँ कामना करते थे। और वहीं हम आपको आज दिखा रहे हैं आज यहाँ पर क्या हाल है और लॉकडाउन ने लोगों को कहाँ से कहाँ पहुँचा दिया है कि भगवान से भी दूरी हो गई है। वहीं भगवान जो लोगों के कष्टों को दूर करते थे और आज लोग उनसे ही दूर हो गए हैं। तो चलिए दर्शकों, आज हम यहाँ पर महाराज से चलते हैं और उनसे बात करते हैं क्या कुछ यहाँ पर श्रद्धालु दर्शन करने के लिए आज पहुंचे हैं या नहीं आ पाए। छाया माँ के लाल शनि जी सूर्य पुत्र कहलाते हैं। कर्म फलों के दाता है ये न्यायाधीश कहते हैं। साढ़े साती ने भक्तों को भव पार लगाते। मेरा नाम संजय यूसुफ, शनि मंदिर पुजारी, बीजी रोड, जगनपुर, गुना। जैसे महाराज आज शनि जयंती है, क्या भक्त लॉकडाउन के कारण दर्शन आज कर पाए हैं या नहीं कर पाए? नहीं, आज सुबह से 2-5-10 लोगों ने दर्शन किए। आज शनि जयंती है, साथ ही बट सावित्री अमावस्या है। वैसे तो हजारों संख्या में लोग दर्शन करते थे। आज कोरोना की महामारी बीमारी को देखते हुए प्रशासन का अनुशासन का पालन करते हुए मंदिर के पट बंद रहे और सुबह पुजारी द्वारा जो पूजा की जाती है, मेरे द्वारा सुबह शनि देव का महाभिषेक किया गया, शनि महाराज का जाप किया गया और इस कोरोना जैसी महामारी से हमें छुटकारा मिल सके, इसके लिए शनि देव से हमने प्रार्थना की। ये शनि देव महाराज सहयोग कष्ट दूर करें, इस कोरोना जैसी बीमारी से हमको दुखों से छुटकारा मिले, ऐसे प्रार्थना की। साथ ही हमने पेपर में व्हाट्सअप नंबर द्वारा ऑनलाइन दर्शन करने की सुविधा उपलब्ध कराई थी, जो आए हमने सभी दर्शनों को व्हाट्सअप द्वारा घर घर हमने दर्शन कराए। साथ ही सभी धर्म परिवर्तनों से हमने अनुरोध किया घर पर ही शनि देव महाराज का पाठ करें, शनि महाराज का स्तोत्र करें और पति पत्नी साथ ही शनि महाराज का व्रत करें। बट सावित्री की आज के दिन वृक्ष पूजन करने से, अमावस्या के शनि महाराज दर्शन करने से स्वागवती आएंगे, उनको स्वाग अखंड रहता है, साथ ही शनिदेव प्रसन्न होते हैं। मेरा नाम संजय जोशी, शनि मंदिर पुजारी, बीजी रोड, जगनपुर, गुना। एक्चुअली हमारे जो ज़िले की बॉर्डर है वो राजस्थान से लगी हुई है, इसमें बारा और झालावाड़ दो ज़िले हमारी बॉर्डर से लगते हैं और टिड्डी दल का जो मूवमेंट होता है वो राजस्थान से ही अपने इस तरफ के लिए होता है, टोंक से भी आ सकता है, बारा ज़िले से भी आ सकता है, झालावाड़ से भी आ सकता है। तो ये हवा की डायरेक्शन पर निर्भर करता है, हाँ, कि वहाँ से हवा किस डायरेक्शन में चल रही है। अगर हवा का डायरेक्शन सीधा हमारे ज़िले की तरफ हो गया तो टिड्डी दल इस तरफ भी आ सकते हैं, तो हमें उसकी तैयारियाँ पहले से करके रखना पड़ती हैं। मेन तैयारी तो हमारी होती है कि सबसे पहले अपने गांव वालों को इस बात की सूचना कर दें कि टिड्डी दल कभी भी आ सकता है, तो आप अलर्ट रहें और जैसे भी कहीं दिखे या कोई सूचना मिले तो आप जिला प्रशासन को, तहसीलदार को, पटवारी को, जो भी आपके पास संकेत हो, कृषि विभाग को, इसकी सूचना तत्काल फ़ोन करके दे दें कि साहब फलाने जगह पे टिड्डी दल दिखाई दिया, तो हम लोग उसको तत्काल पहुंच के और उसको कंट्रोल करते हैं। अगर दिन का समय है तो गांव वालों को, जिला प्रशासन को, सबको मिलके टिड्डी दल को पेड़ों पे, फसल पे, ज़मीन पे बैठने नहीं देना है। उसको थाली बजा के, ढोल बजा के या डीजे बजा के, सायरन बजा के वहाँ से उसको आगे बढ़ाना है। वो भागता है, ध्वनि से भागता है, तो उसको ध्वनि से आगे भगाना है। और जब वो आगे दिन भर भागेगा तो वो कहीं बैठ के खाने, फसलें खा नहीं पाएगा, लेकिन जैसे ही शाम को 6:30-7 बजते हैं तो फिर वो कहीं ना कहीं बैठता है, फिर वो भागता नहीं है। तो हमें उसको जैसे ही वो नहीं, शाम को जब बैठ जाए तो उसको बैठने देना है और उसकी सूचना तत्काल जिला प्रशासन को देना है कि यहाँ पर टिड्डी दल मान लो किस जहाँ पर बैठ गया है, तो लोकेशन की सूचना हमारे पास आ जाए, तो हमारे पास इसको नियंत्रित करने के लिए फायर ब्रिगेड, दवाइयाँ और सारी चीज़ें तैयार हैं
और किसानों को भी हमने मैसेज कर दिया है कि उनके पास जो दवा डालने के स्प्रेयर पंप, ट्रैक्टर के पंप, ये सारी चीज़ें हैं, इनको बिल्कुल साफ़ सूफ करके तैयार करके रखें और चला के देख लें कि सही स्थिति में चल रहा है कि नहीं। क्योंकि आज चेतावनी जारी की आपके यहाँ से, हाँ, छोड़ा क्षेत्र में आने की संभावना जी, तो वो क्या उसका क्या 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 होता है कि हम लगातार राजस्थान जिले के अधिकारियों से जुड़े रहते हैं और जैसी वहाँ से सूचना मिलती है कि साहब हमारे इधर से आगे की तरफ बढ़ा है तो उस सूचना के आधार पर हम चेतावनी जारी करते हैं। लेकिन लेकिन हाँ, लेकिन क्या है कि जैसे मान लो थोड़ा बहुत हवा या तो धीमी हो गई या डायरेक्शन चेंज हुआ हवा का, तो हम खुश किस्मत रहते हैं, अच्छी किस्मत के रहते हैं कि हमारे ज़िले में वो नहीं आ पाया या नहीं आया। तो अपन ने गुना में कौन कौन से एरिया में, गुना जिले में अपन ने चेतावनी जारी की है कि आ सकता है? हाँ, ये क्या है क्योंकि राजस्थान से आता है तो सबसे पहले जो राजस्थान बॉर्डर से लगे हुए हमारे गांव हैं, बॉर्डर से लगा हुआ जो क्षेत्र है, चाचौड़ा, कुंभराज, राघोगढ़, बमोरी, फतेहगढ़, इस का जो एरिया है यहाँ सबसे पहले पहुँचने की संभावना रहती है। और इसके बाद ये क्या होता है कि एक दिन में 80 से लेके 100 किलोमीटर तक चल लेता है, ठीक है ना, तो कोई ऐसा ज़रूरी नहीं है कि वो बॉर्डर एरिया में ही बैठेगा, वो राघोगढ़ में भी आके बैठ सकता है, गुना में भी बैठ सकता है, आरोन भी पहुंच सकता है, हजारा तो रही बैठ जाता है वो। हाँ, जहाँ उसको मन लगता है वहाँ वो बैठ जाता है, ठीक है ना। तो हमने चेतावनी तो ये सबसे पहले बॉर्डर को दी है, अगर बॉर्डर में एंट्री होती है तो हमें कहीं ना कहीं से फ़ोन से खबर आ जाती है तो हम उस हिसाब से तैयारियां कर लेते हैं। और आने को ये ज़िले के किसी भी हिस्से में आ सकते हैं, चाहे वो आरोन हो, चाहे गुना हो, चाहे मधुसूदनगढ़ हो, ये कहीं भी पहुंच सकता है, कहीं भी आ सकता है। सर एक और सवाल है, टिड्डी दल का सवाल हो गया, आपने बहुत विस्तृत जानकारी जी, चने जो उपार्जन केंद्र है उन पर चने की खरीदी कितनी हो रही है और जो चना है बहुत सारे किसान वापस लेके जा रहे हैं, क्या कारण? चने में सबसे बड़ी समस्या FAQ की आती है, फेयर एवरेज क्वालिटी जो निर्धारित नाम से हैं, उससे अगर चना कम है तो उसको लेने की बात आती है, तो फिर हम किसान को बोलते हैं कि भाई आप इस पे छल्ला लगा लाओ और एवरेज क्वालिटी बना लाओ। पर कई बार क्या होता है कि जो जितना चना है उतने ही साइज़ के उसमें या तो मटर मिला होता है या त्योड़ा मिला होता है, तो वो किसी छन्ने से नहीं निकल पाता, तो इसलिए वो चना 1% त्योड़ा तो शायद 1% के में चाहे त्योड़ा हो चाहे मटरी हो सारी चीज़ें उसके लिए मान्य हैं, ठीक है ना। तो वो 100 दाने में अगर एक दाना है तो ठीक है, लेकिन वो 100 दाने में कई बार 2 दिखते हैं या 3 दिखते हैं तो फिर वो फेल हो जाता है। दूसरा सवाल सर ये है कि अभी ये मौसम बारिश हो रही है, किसानों को क्या लाभ और क्या नुकसान है इससे? देखो, किसानों को सीधे रूप से देखा जाए तो अभी जो बारिश हो रही उससे नुकसान नहीं है, क्योंकि जो भी खेतों में फसलें खड़ी हैं उन वो हरी हैं और उनको कोई समस्या नहीं है। लेकिन दूसरे अगर उसमें देखा जाए तो नुकसान है कि अगर टेम्परेचर नहीं बढ़ेगा, गर्मी नहीं होगी, तो मानसून कमज़ोर होने की समस्या आ सकती है, लेकिन बाकी ऐसा कोई उसको नुकसान किसान को नहीं है डायरेक्ट। ये जो बेमौसम बरसात हो रही है इससे मानसून भी कमज़ोर होने की संभावना महसूस करते हैं? जो नियम है कि जितना गर्मी अच्छे से तपेगी उतनी अच्छी बारिश होगी, ये नियम है। तो अगर गर्मी अच्छे से नहीं तप रही है तो बारिश कमज़ोर होने की ये संभावना नियम है। लेकिन फिर भी अभी जो अपने यहाँ मौसम विज्ञान ने इस साल की जो जानकारी वो की है कि इसमें करीब 4 महीने अच्छी बारिश होगी और कोई समस्या बारिश की नहीं होगी, ये शासन उनने मौसम विभाग ने बताया है। अब किसानों को इस समय क्या सलाह देने जाएंगे क्योंकि लॉकडाउन के चलते बहुत सारी समस्याएं ऑलरेडी ये फेस कर रहे हैं? किसानों को तो ये अभी ये सलाह देंगे कि अब जो उनने अपनी रबी की फसल काट ली है, गेहूं की, चने की, धनिया की, और जिन्हें माल बेच लिया है, मंडी चालू है, माल बेच लें, और जिनको रखना है आगे रेट अच्छे मिलने की गुंजाइश में तो रखें,
और बीज के लिए अभी से तैयारी करके रख लें अपना कि अगले साल हमें अगर गेहूं चने का बीज लगाना है तो कौन सा हमारा अच्छा खेत था, उसमें भीगा नहीं है जो चना या गेहूं, तो उसको अपना संभाल के साफ़ करके और दवाइयां डाल के उसको रख लें ताकि आगे साल उनको बीज की समस्या ना आए। और अभी खरीफ मौसम के लिए खेतों की जुताई हकाई अभी से करके रख लें और ये प्लानिंग कर लें कि हमें किस खेत में क्या बोना है और उसके बीज के अभी से इंतजाम कर लें फसल के हिसाब से कि उसको सोयाबीन लगाना है, किसी को धान लगाना है, किसी को मक्का लगाना है, किसी को मूंग लगाना है, तो जो भी फसल लगाना है उसकी तैयारी कर लें और बीज का अभी से इंतजाम कर लें। और किसानों को ये मैं कहना चाहूँगा कि इस साल सोयाबीन के बीज के लिए जो आपके पास बीज हुआ है उसी को स्पायरल ग्रेडर से साफ़ करके और अंकुरण परसेंटेज जरूर चेक कर लें। उसको किसानों को बताया है कि कागज़ में या टाट पट्टे के बोरे में गेहूं सुखा उसके रखना पड़ते हैं, उसको अंकुरण उसकी जांच करने की विधि है, किसानों को ये पता है तो उससे वो चेक करके अभी से पता करके रख लें कि उनका अंकुरण परसेंटेज क्या है, क्योंकि इस साल खड़ी फसल पर पानी गिरा था तो सोयाबीन फसल में अंकुरण की समस्या आ सकती है, इसलिए अंकुरण चेक करना अनिवार्य है। और उसको जो भी फसल बोएं उसको ट्रीटमेंट करके बोएं। सर क्या संदेश देना चाहेंगे टिड्डी दल के लिए? यही संदेश देना चाहेंगे कि अलर्ट रहें और जागरूक रहें, अगर कहीं भी आसपास आता है तो तत्काल उसकी सूचना प्रशासन को भी दें और गांव वाले भी उसकी तैयारी रखें कंट्रोल करने की। और क्योंकि ये किसी एक एजेंसी है उसका काम नहीं है, एक एक सार्वजनिक काम होता है कि हम टिड्डी दल को कंट्रोल करें, क्योंकि हम अगर इसको नहीं मारेंगे तो जितनी भी ग्रीन वनस्पतियाँ हैं, कि किसान सोचते हैं कि हमारा खेत खा लिए कोई नुकसान नहीं है, लेकिन जितने भी हरे पौधे हैं सबको खा जाएंगे और जो अभी 15 साल 20 साल तक के पुराने पौधे हैं इनकी छिलके खा जाते हैं पूरे टिड्डी दल, तो वो पौधे सारे सूख जाएंगे, बगीचे सूख जाएंगे, तो इसलिए इनको कंट्रोल करना और इनसे सावधान रहना अनिवार्य है। संकट के ये दिन भी बीत जाएंगे भगवान, एक दिन तेरे मंदिर में हम सब आएंगे भगवान, दरबार में जयकारा तेरा गाएंगे भगवान, एक दिन तेरे मंदिर में हम सब आएंगे भगवान। प्रभु तेरी लीला है अपरंपार, प्रभु की महिमा है अपरंपार, तुझ देखते ही आँख से आंसू बहेंगे, तेरे पास बैठे आँखों से छवि को निहारेंगे, तेरे पास बैठे आँखों से छवि को निहारेंगे। संकट के ये दिन भी कट जाएंगे भगवान, एक दिन तेरे मंदिर में हम सब आएंगे भगवान। प्रभु तेरी महिमा है अपरंपार, प्रभु की लीला है अपरंपार, मंदिर में भीड़ भक्तों की फिर दिखने लगेगी, सारे तीर्थ देव लोक में रौनक भी बढ़ेगी, सारे तीर्थ देव लोक में रौनक भी बढ़ेगी, तेरी शक्ति से संकट को हम हराएंगे भगवान, एक दिन तेरे मंदिर में हम सब आएंगे भगवान। प्रभु तेरी महिमा है अपरंपार, प्रभु की लीला है अपरंपार, घर घर में दीप रोशनी की माला जलेगी, फिर सारे त्योहारों की रौनक भी दिखेगी, फिर सारे त्योहारों की रौनक भी दिखेगी, सारे मस्ती में झूमेंगे गाएंगे भगवान, एक दिन तेरे मंदिर में हम सब आएंगे भगवान। प्रभु तेरी लीला है अपरंपार, प्रभु की महिमा है अपरंपार, संकट के ये दिन भी बीत जाएंगे भगवान,
एक दिन तेरे मंदिर में हम सब आएंगे भगवान, दरबार में जयकारा तेरा गाएंगे भगवान, एक दिन तेरे मंदिर में हम सब आएंगे भगवान। प्रभु तेरी लीला है अपरंपार, प्रभु की महिमा है अपरंपार, प्रभु की लीला है अपरंपार, प्रभु की महिमा है अपरंपार।